हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्यों इंपॉर्टेंट रहा ये हाल ही में करंट में, उसको जानेंगे। इसके अंदर आने वाली एक दो सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे, क्या उनका फंक्शनिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं वो। उसके अलावा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और GS3 के पार्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की तारीख में आपको पता है कि इसरो के आने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले समय में, उन सबको इसके अंदर वीडियो के अंदर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर आपको इस वीडियो का PDF फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अलावा जितने भी हमारे अलग प्रोग्राम्स हैं, आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़ के अंदर क्यों है? तो बेसिकली देखो, न्यूज़ के अंदर तो इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में इसरो ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करी है कि उसने 2019 से 2020 तक क्या काम किया है। इसरो को जो बजट एलोकेट हुआ है अगले साल के लिए, यानी कि 2020-21 के लिए, वो हुआ है 13,480 करोड़ रुपए का बजट इसरो को एलोकेट हुआ है। करंटली अगर बात करते हैं तो इंडिया की 19 नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ को ऑब्जर्व करती हैं, 18 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट्स जिनको टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, और 18 नेविगेशन सैटेलाइट्स सर्विसेज में हैं। नेविगेशन जो आपकी GPS वगैरह बेसिकली काम आती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो ब्रॉडकास्टिंग में हेल्प करती हैं, टेलीफोनी में हेल्प करती हैं, इंटरनेट सर्विसेज में हेल्प करती हैं, वेदर, एग्रीकल्चर रिलेटेड फोरकास्टिंग, सिक्योरिटी, डिजास्टर टाइम रेस्क्यू एंड रिलीफ, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है हमारी, वो मिलिट्री कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए ही डेडिकेटेड हैं, यानी कि वो मिलिट्री के लिए और उनकी नेटवर्किंग के लिए ही काम करती हैं। टोटल 18 में से 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। उसके अलावा की पॉइंट्स पे बात करते हैं। अपने एनुअल प्लान में जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर इसरो ने कहा है कि वो 36 मिशन हैं। 36 मिशन में उनके अपने लॉन्चर्स भी हैं और सैटेलाइट्स भी हैं, जिसके अंदर 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लॉन्च की बात की गई है। अपकमिंग जो EO सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स RESET-2BR2, RESET-1A एंड 2A, OceanSat-3, GSAT-1 और RESOURCESAT-3S है। इसरो का प्लान इसी साल है कि वो Chandrayaan-3 लॉन्च करेंगे। Chandrayaan-2 आपको पता हो, उसके अंदर जो है वो एक कहते हैं कि 90% वो सक्सेसफुल रहा। उसमें जो है रोवर की लैंडिंग अच्छे से नहीं हो पाई, वो क्रैश हो गया था, और बाकी जो आपका वहाँ पे ऑर्बिटर था वो तो ठीक था। गगनयान एक बहुत इंपॉर्टेंट कि सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया जो है अपने सोइल से लॉन्च करके ह्यूमन की स्पेस फ्लाइट करवाएगा और वापस उनको जो है लैंड पे लेकर के आएंगे। तो गगनयान ये मिशन है और रशिया इसके अंदर हमारी मदद कर रहा है, तो इसको भी इसी साल के लिए जो है शेड्यूल्ड किया गया है 2020-21 के लिए। उसके अलावा एक न्यू सीरीज ऑफ हाई रेजोल्यूशन HRSAT को जो है हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च करेगा इसरो, जिनको नाम दिया गया HRSATs, उसको जो लॉन्च करेंगे वो करेंगे PSLV के थ्रू। उसके अलावा इसरो का बिल्कुल प्लान है कि वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो डेवलप करेंगे स्पेस के अंदर में इस पूरे आने वाले डेकेड में, यानी कि अगले 10 सालों में हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन डेवलप कर लेंगे स्पेस के अंदर। उसके अलावा बात करते हैं RESET-2BR2। तो रीसेट बेसिकली जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारी वेदर फोरकास्टिंग में काम आती हैं, और ये जो 2RB2A एक ट्राइड बना लेंगी अदर 2 रीसेट सैटेलाइट्स के साथ। पहले भी जा रखी है, एक RESET-2B है और RESET-2B1 है, तो ये तीनों आपस में 120 डिग्री अपार्ट होंगी एक दूसरे से, और ये पूरी कवरिंग जो होगी ये पूरा कवर कर लेंगे। जब ये अपार्ट होंगी 120 डिग्री इक्वली डिस्टेंस पे, तो इनकी जो ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी और जो एरिया ये कवर करती हैं वो ज़्यादा हो जाएगा। इससे ऑल डे नाइट की जो इमेजेस हैं वो प्राप्त हो सकती हैं स्पेस से, और जो भी वेदर की कंडीशंस है वो हमें मिल सकती हैं। उसके अलावा जो रीसेट सैटेलाइट्स हैं वो सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल करती हैं, एक बेसिकली टाइप ऑफ रडार होता है,
उसका इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि क्या नाम है 24 इंफॉर्मेशन मिलती रहती है सिक्योरिटी एजेंसीज को कि कहाँ पे क्या वेदर है, क्या बारिश होने वाली है, मानसून ऑनसेट ऑफसेट, उसके अलावा जो एक्सट्रीम वेदर होता है उसकी जानकारी रीसेट के थ्रू में मिलती रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्राइड बनाएगा और इससे जो जो एक तरीके से कहते हैं ना ऑब्जर्वेशनल एरिया है वो काफ़ी बढ़ जाएगा हमारा। उसके अलावा बात करते हैं जी सेट वन की। तो बेसिकली जी सेट वन में मैं आपको बता दूं, उसके लिए थोड़ा ये जो इन्फॉर्मेशन आ गई है इसमें कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण गलत आ गई है, लेकिन मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। तो बेसिकली जो जी सेट है वो हमारी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, उसको जो है रखा जाएगा अर्थ से कम 36,000 किलोमीटर की दूरी पे। बाकी जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशनल सेटेलाइट्स होती हैं वो सिर्फ 600 किलोमीटर दूरी पे होती है। जी सेट को जो लॉन्च किया जाता है वो GSLV से लॉन्च किया जाता है और अर्थ ऑब्जर्वेशनल सेटेलाइट को जो लॉन्च किया जाता है वो PSLV से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, जो दूर अगर हमें सेटेलाइट लगानी होती है कहीं पर अर्थ से तो उसके लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत पावरफुल लॉन्चर होता है वो। और जी सेट के बारे में बता दूँ तो बेसिकली ये एक फिक्स्ड स्पॉट पे जाकर के रुक जाती है और वहीं से हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट को जो है ऑब्जर्व करती रहती है। हमारे यहाँ पर बॉर्डर्स में या फिर ज्योग्राफिकल एरियाज में जो मेजर चेंजेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करना बेसिकली इस सैटेलाइट का काम होता है। ठीक है, तो ये जी सेट के बारे में है इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आने वाले जो भी प्रोग्राम्स होंगे, गगनयान है, चंद्रयान है, 3 है, इसके ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो हम उसके ऊपर वीडियो आपको ज़रूर ला करके देंगे। और कोई भी आपके सजेशन है, फीडबैक है, आप हमें बताइए। ये बहुत अच्छा वीडियो था, ब्रीफ वीडियो था, बहुत इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर में। GSLV, PSLV, रीसेट, जी सेट, ओशन सेट, सब सैटेलाइट्स के बारे में हमने देखा इसके बारे में। और आपको कोई भी सजेशन से फीडबैक है डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिए, आपको फ्री में PDF मिलेगा और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं आप उनके बारे में अपडेट ले सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।